फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। अब हम क्या करेंगे, जो क्विज हमने दिया था उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने वो क्विज का क्वेश्चन नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे और शुरू करेंगे, ठीक है। और अगर ट्राई करना है तो आप वहाँ से जा करके, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, आराम से और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, द पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा का हमें पीरियड बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि पीरियड होता क्या है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ डिफिनेशन देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन का। इन मैथमेटिक्स अ पीरियोडिक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट रिपीट्स इट्स वैल्यू इन रेगुलर इंटरवल और पीरियड्स, ठीक है। तो क्या करना है कि जो भी फंक्शन होगा वो पीरियडिक फंक्शन तब होगा जब वो क्या करेगा, उसकी जो वैल्यू होगी एक रेगुलर इंटरवल में क्या करेगी, रिपीट करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ये देखें, एक बार जीरो से पाई साइन, अगर एक्स की ये ग्राफ है, देखो साइन एक्स का ये ग्राफ है, अगर हम जीरो से पाई देखें तो प्लस हुआ, फिर पाई से टू पाई कितना हुआ, माइनस हुआ। तो यहाँ से मतलब अगर हम देखें जीरो से टू पाई टोटल क्या हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, ठीक है। और इधर भी देख लें, अगर जीरो से माइनस पाई, ठीक है, एक बार माइनस हो रहा है और माइनस पाई से माइनस टू पाई प्लस हो रहा है, इसका मतलब जीरो से टू पाई या जीरो से टू पाई इधर नेगेटिव में, तो हमारे पास दोनों में क्या हो रहा है, जो फंक्शन का जो पीरियड है, ठीक है, वो अपने पहलू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये साइन एक्स क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड यहाँ से कितना निकला, जीरो से 2 पाई, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिसके टाइम पीरियड हमें याद करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। देखते हैं क्या होते हैं उसके, ठीक है। ये देखिए, ये टाइम पीरियड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। अगर लिखा गया वाई बराबर साइन एक्स या वाई बराबर कॉस एक्स या वाई बराबर कॉसेक एक्स या वाई बराबर सेक एक्स, इन सबका टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई। और अगर है y इज इक्वल टू टेन एक्स वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, पाई होगा, ठीक है। तो और दूसरा देखते हैं, अगर साइन की पावर एन एक्स और कॉस की पावर एन एक्स और कॉसिक की पावर एन एक्स और सिक पावर एन एक्स, इसकी टाइम पीरियड 2 पाई और पाई दोनों हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या होगी, अगर हमारा n यहाँ पे अगर n ऑड हो जाए, मतलब साइन थ्री एन सॉरी साइन थ्री एक्स साइन की पावर 3x, ठीक है। तो यहाँ से cos की पावर 3x अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 यानी ऑड हो जाता है, उसका टाइम पीरियड 2 पाई होगा। और ये अगर n हमारा इवन होता है, ठीक है, अगर n इवन होगा, जैसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अगर ऐसा होता है तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। और tan की पावर nx cot की पावर nx पाई, ये हमेशा क्या होगा, पाई ही होगा, चाहे n ऑड हो जाए या इवन हो जाए, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, अगर ये मॉड लगा दिया था, मॉडुलस ऑफ साइन की पावर n थीटा कॉस पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा मॉडुलस, ये सब मॉड में अगर हो जाए, ठीक है, टेन कॉस साइन जितने भी हैं, अगर वो क्या होते हैं मॉडुलस उनके लग जाते हैं, तो वो क्या होता है, पाई हमेशा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, पाई होगा। तब अब यहाँ पे n इवन हो या ऑड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर रूट एक्स आ गया, जैसे यहाँ पे साइन रूट एक्स कॉट रूट एक्स अगर ऐसे आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट पीरियडिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले थे जो कि आपको याद करना बहुत ज़रूरी होगा, जिससे क्वेश्चन होगा इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं तब क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा का टाइम पीरियड कितना होगा, पाई स्क्वायर पाई टू पाई पाई बाई टू। तो हमने बताया जब हमारा एन क्या हो जाता है, इवन होता है, तो साइन स्क्वायर यानी हो जाएगा, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। आंसर भी देखो तुरंत हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द टेन एक्स प्लस सेक एक्स इज इक्वल टू टू कॉस एक्स इन इंटरवल जीरो से टू पाई इज। तो यहाँ पे ये फंक्शन हमें दिया है, हमें यहाँ पे जीरो से टू पाई में हमें ये देखना है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये क्वेश्चन है टेन एक्स प्लस सेक एक्स इज इक्वल टू टू कॉस एक्स इन इंटरवल जीरो से टू पाई, हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, किसी एक फंक्शन में बनाते हैं, या तो टेन में बना देते हैं, या तो सिक में, या तो कॉस में। तो यहाँ पे चेंज करते हैं, टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस सिक एक्स का हो जाएगा वन बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू टू
कॉस एक्स का कॉस एक्स ही रहने देते हैं, ओके। फिर यहाँ से देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस एक्स ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस में वन इज इक्वल टू टू कॉस एक्स, ओके। फिर यहाँ से क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। फिर हमें ये फार्मूला पता, देखो चूँकि हमें पता होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है वन, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वन बराबर टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके। तो फिर यहाँ से देखो ये हो गया साइन एक्स प्लस वन बराबर टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर यहाँ से इसको लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसको इधर ले जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में साइन एक्स और ये जाएगा प्लस वन माइनस टू इजक्वल टू जीरो। फिर ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू ये हो जाएगा माइनस का वन इजक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू देखो, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू किससे निकलेगी, इसी तरह चार सूत्र लगाते हैं, ठीक है। फार्मूला तो क्या होता है, माइनस बी तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर ये हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए कितना है टू, सी कितना है माइनस का वन, ओके, डिवाइडेड बाई टू इंटू ए होता है तो टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करें माइनस का वन, देखो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट कितना वन माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और फोर इंटू टू एट, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टू इंटू टू फोर, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा नाइन डिवाइडेड बाई फोर, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इज इक्वल टू, एक बार क्या करते हैं हम माइनस लेते हैं और एक बार प्लस लेते हैं, सबसे पहले प्लस लेते हैं तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट नाइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जाएगी थ्री डिवाइडेड बाई फोर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू डिवाइडेड बाई फोर तो कितना आ जाएगा वन बाई टू, ओके। और देखो साइन एक्स की कितनी आ गया, दूसरा हो जाएगा अगर हम निगेटिव लेते हैं तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का वन और माइनस का थ्री डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का फोर डिवाइडेड बाई फोर कितना आ जाएगा माइनस वन। तो यहाँ से हमारे पास साइन एक्स की जो वैल्यू आ गई वन बाई टू और माइनस वन, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई दो, ठीक है, सोल्यूशन आ गए हमारे साइन एक्स के दो आ गए। तो यहाँ पे ये चेक करना होगा इंटरवल, सबसे पहले ये बोला गया है हमें जो इंटरवल लेना है ये जीरो से टू पाई लेना है। सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये होता है ज़ीरो, ये होता है पाई और ये होता है टू पाई और ये होता है थ्री पाई, ठीक है। तो हमें जो चेक करना है, हमें जो चेक करना है वो कहाँ पर चेक करना है, टू पाई तक, ज़ीरो से टू पाई में, जीरो से टू पाई। तो माइनस वन देखो ये हो जाएगा माइनस वन, केवल एक बार आ रहा है, और ये प्लस वन तो वन बाई टू, देखो वन बाई टू एक तो यहाँ हो सकता है, ये कितना होता है वन होता है, इस पर ये वन होता है, ये कितना होता है पाई बाई टू, पाई बाई टू को वन होता है और वन बाई टू एक इधर आएगा, एक वन बाई टू इधर आ जाएगा, यानी वन बाई टू कितनी बार आ गए, वन बाई टू आ गया कितने बार, टू टाइम्स, टू टाइम्स कब कब, एक जब एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाए थर्टी डिग्री और एक एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन फिफ्टी डिग्री, ठीक है, एक बार एक्स इज इक्वल टू थर्टी डिग्री और एक ही बार एक्स इज इक्वल टू वन फिफ्टी डिग्री दो बार, ठीक है। और वन तो माइनस वन, माइनस वन कितनी बार आ रहा है, वन टाइम्स, वन टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा देखो, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप दे, तो कितनी बार है थ्री, यानी कितने आ रहे, दो बार तो आ गया हमारा वन बाई टू और एक बार माइनस वन, तो इसलिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं।
तो यहाँ से बोलोगे विच वन इज़ नॉट पीरियोडिक, तो इसमें बोलोगे कौन सा पीरियोडिक नहीं है। तो चेक करते हैं डायग्राम, देखो यहाँ पे मॉडुलस, जब साइन एक्स या ये हमने मॉडुलस का देखा उसका भी पीरियड होता है टाइम पीरियड, यानी ये पीरियोडिक है और साइन स्क्वायर ए भी पीरियोडिक। हमने बताया जब स्क्वायर रूट एक्स आता है तो वो पीरियोडिक नहीं होता है। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए भी पीरियोडिक है, ए भी पीरियोडिक है, ए भी और ए भी और ए भी, ठीक है। तो यहाँ पर केवल ये नॉट पीरियोडिक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉट पीरियोडिक ये ऑप्शन, ठीक है। और ए भी याद रखना, फंक्शन अगर मान लो कोई एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, तो अगर ये एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स है, ठीक है, सॉरी एफ टू एक्स है, ठीक है, तो अगर ये इसका टाइम पीरियड टी वन है और इसका टाइम पीरियड टी टू है, ठीक है, मतलब अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है और ए भी पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगी। इस तरीके से अगर ये नॉट पीरियोडिक है और ये पीरियोडिक है, तो इन दोनों का कम्बिनेशन की वजह से ये जो एफ जेड आएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स आएगा, वो क्या होगा, पीरियोडिक नहीं होगा। तो इसलिए ये बी ऑप्शन क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। लेट अल्फा बीटा बी सच दैट पाई, यानी अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन पाई एंड सॉरी ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन थ्री पाई इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस 21 डिवाइडेड बाई 65 एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस 27 डिवाइडेड बाई 65 देन वैल्यू ऑफ द कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो यहाँ से ये चेक करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस 21 डिवाइडेड बाई 65 और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस 27 बाई 65 ये दिया हमने, इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर वन है। और ये क्वेश्चन नंबर टू है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि इंटरवल हमें देखना है अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3 पाई, यहाँ पे ये चेक करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर वन अल्फा माइनस बीटा ये लाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन इक्वेशन वन का, ठीक है, क्या करेंगे, स्क्वायर इक्वेशन वन का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस 21 डिवाइडेड बाई 65 इसका होल स्क्वायर। ओके, इक्वेशन टू इसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस 27 डिवाइडेड बाई 65 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को ऐड कर दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टू टू कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, या ऐसे रहने देते हैं, और प्लस टू प्लस टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना इधर हो जाएगा, देखो 21 डिवाइडेड बाई ये 21 का होल स्क्वायर 441 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 65 का स्क्वायर ऐसे रहना, प्लस 27 का स्क्वायर कितना होगा, यह हो जाएगा 729 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 65 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और यहाँ पे है टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू कॉमन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 65 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1170। ओके, 11 कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ से 2 से कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दिया जाएगा कितना, 1 प्लस में यहाँ से देखो साइन अल्फा कॉस साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, ये हो जाता है कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1170 डिवाइडेड बाई 65 का होल स्क्वायर,
ओके। फिर यहां से देखो हमें ये फार्मूला पता होता है, कॉस टू ए इजिकल टू कितना होता है, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन। ओके, फिर यहाँ से क्या लिख सकते हो, कॉस ए अगर लिखना हो, कॉस ए वैल्यू हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं तो ये हो जाएगा टू ब्रेकेट वन प्लस कॉस ए की जगह पर हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू माइनस का वन, ये हो जाएगा 1170 डिवाइडेड बाई 65 का होल स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ से देखो 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 हो जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 1170, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 65 इंटू 65 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हो 4 को, ठीक है, तो 65 इंटू 2, ठीक है, कितना हो जाएगा देखो, ऐसे लिख सको 1170 डिवाइडेड बाई कितना लिख सको 130 इंटू 130, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो यहाँ से जब कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, देखो यहाँ से कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये स्क्वायर रूट होगा, तो यहाँ सबसे पहले इससे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, 1170 डिवाइड बाई 130 तो कितना हो जाएगा 9, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, देखो ये सब आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 130, तो यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ रही है। ओके, यहाँ से कितना आया, कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 130 आया। फिर जो इंटरवल दिया गया है, देखो अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन पाई लेस देन 3 पाई, जबकि हमें जो इंटरवल की बात करना है अल्फा माइनस बीटा बाई टू पे करना है, तो यहाँ से देखो अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू ग्रेटर देन पाई बाई टू और 3 पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ से कॉस का ग्राफ बनाते हैं, देखो तो यहाँ से कॉस लोगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ बनाओगे तो कितना आ जाएगा 0, 0 का कॉस कितना होता है 1 होता है, फिर हो जाएगा पाई बाई टू, पाई बाई टू पे कितना होता है 0, ओके, और फिर ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, ठीक है, फिर यूँ ऐसे कुछ ग्राफ चलेगा कॉस का, ये किसका ग्राफ है कॉस एक्स का। ओके, तो यहाँ से बात करनी है पाई बाई टू और 3 पाई बाई 2 के बीच में, तो कॉस पाई बाई टू और 3 पाई बाई 2 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव, तो आंसर यहाँ पे देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू की कौन सी वैल्यू आ गई, -3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 130, ये आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगर यहाँ पे क्योर प्लस होता, ये माइनस के जगह पे अगर ये प्लस होता तो हम क्या करते, सिर्फ सीधे यहाँ डायरेक्ट से क्या करके इंटरवल चेक करके ही डायरेक्ट हम ये माइनस वाला कर देते, ज़्यादा कुछ नहीं करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस इसलिए थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यू इजक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देन द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर इज गिवन बाई, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसका ये सोल्यूशन देखते हैं जो बुक में दिया गया है, ठीक है, बुक वाला पहले देखते हैं फिर अपना बताते हैं। ओके, ये बुक का सोल्यूशन है, देखो यहाँ पर दिया है यू इजक्वल टू, ये जो दिया है यू इजक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहाँ से हमें जो क्वेश्चन में निकालना है वो निकालना है यू स्क्वायर मैक्सिमम माइनस यू स्क्वायर मिनिमम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यू स्क्वायर मैक्सिमम निकालना है और मिनिमम यू स्क्वायर निकालना है, उन दोनों का डिफरेंस जितना आएगा वही आंसर होगा, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे यू दिया, सबसे पहले हम यू स्क्वायर फंक्शन निकालते हैं, तो यू स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड का हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया,
तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन किया तो ये हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। इसका होल स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सेम यही आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस में टू टाइम्स स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी, ठीक है। ये लिख दिया इक्वल टू, ये हो जाएगा ए, यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर, सॉरी ये ए स्क्वायर है और यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये वन हो जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर स्क्वायर यहाँ से और बी स्क्वायर यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन सब का हो गया प्लस में टू टाइम्स ये स्क्वायर रूट, इसको पूरा होल अंडर रूट के नीचे कर दिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, जैसे ये होता है स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट वाई बराबर कितना हो जाता है स्क्वायर रूट एक्स वाई, ठीक है। इस तरीके से लिखा गया। फिर यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू टाइम्स, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ए स्क्वायर तो कितना हो गया ए की पावर फोर, यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया, और यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से देखो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी की पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये कॉमन लिया था, और ये प्लस में देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस की पावर फोर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर फोर थीटा, यहाँ पे क्या किया ए स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर फोर थीटा और बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन पावर फोर थीटा, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर लिया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस में टू टाइम्स ये हो जाएगा ए के पावर फोर प्लस बी पावर फोर, इसको ऐसे लिख दिया, इसको भी ऐसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो गया कॉस के पावर फोर थीटा प्लस साइन के पावर फोर थीटा, ये कैसे है देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया देखो, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में टू टाइम्स ए बी, ये लिख दिया। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई वन माइनस में टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ही रहेगा, फिर ये यहाँ पे हमने वैल्यू से पुट कर दिया, तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू टाइम्स, ये तो है रहेगा ए के पावर फोर प्लस बी के पावर फोर, यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये कॉमन कर लिया, फिर ये हो गया ए के पावर फोर प्लस बी के पावर फोर माइनस में टू टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से ये मल्टीप्लाई करोगे फिर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये लगोगे, फिर ए के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू टाइम्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये था इसमें हमने मैंने क्या कर दिया ये टू मल्टीप्लाई करके इसको होल स्क्वायर कर दिया ऊपर नीचे मतलब फोर से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो फोर का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये बन जाता साइन स्क्वायर टू थीटा का फार्मूला, ठीक है। तो ये देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर टू थीटा का फार्मूला प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर यही है। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से अब ये तो जो फंक्शन है देखो यू स्क्वायर, ये जो यू स्क्वायर किस पे डिपेंड कर रहा है साइन, ये फंक्शन होगा तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर टू थीटा, साइन की जो भी फंक्शन होता है क्या करता है जीरो से बड़ा और वन के बीच में ये नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसकी टोटल की बात करें तो दोनों तरफ ऐड करें, देखो यहाँ से हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा बाई फोर प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लेस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई फोर प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से यू स्क्वायर मैक्सिमम निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो, ये लेस आर इक्वल टू होता मतलब ये इक्वल टू इतने बराबर हो जाएगा ये जो फंक्शन है इतने बराबर, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू टाइम्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर था डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है ये, ठीक है, और प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम इसके जगह पे ये जो ब्रैकेट के अंदर था ये टोटल इतना लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से देखो यू स्क्वायर मैक्सिमम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस में फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर, इसमें क्या किया सिर्फ ये फोर का मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेकर, ठीक है। फिर यहाँ से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये फोर है ये स्क्वायर रूट निकालोगे तो टू आएगा टू ऑलरेडी है तो टू टू कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ये स्क्वायर रूट हटाओगे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए कितना हो जाएगा टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस यू स्क्वायर मिनिमम तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू टाइम्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है,
क्योंकि मैक्स ओके okay, तो फिर मिनिमम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यू स्क्वायर मैक्सिमम माइनस यू स्क्वायर मिनिमम दोनों का डिफरेंस कर दिया, तो यहाँ से टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों का वैल्यू रखा, तो यहाँ से टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में इसको ओपन कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ओके। फिर यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये टू टाइम्स था, एक टाइम्स कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू टाइम्स ए बी बच गया ठीक है। यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये आ गया आंसर ठीक है। ये है बुक का सोल्यूशन, बुक का सोल्यूशन जो कि देख रहे हैं आप कितना लंबा है ठीक है। तो फिर इसको एक ट्रिक के हिसाब से करते हैं जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और क्वेश्चन ईजिली निकल जाता है ठीक है, देखते हैं फिर वो ठीक है। तो यहाँ से देखो ये जो यू रखा है यू इक्वल टू दिया है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना दिया है। तो अगर हमें क्या करें ए इक्वल टू बी कर दें, ए इक्वल टू बी कर दें तो कितना हो जाएगा, देखो यू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ए इक्वल टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा वन ओके। इतना हो गया अगर रख दिया तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये बचाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना हो गया ठीक है। तो फिर यहाँ से देखो ये स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है वन, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, अभी यू की वैल्यू आ गई ठीक है ओके। तो यहाँ से यू की वैल्यू कितनी आ गई टू टाइम्स, तो यहाँ से यू की वैल्यू टू टाइम्स आ गई स्क्वायर रूट वन ठीक है। तो यहाँ से यू के देखो यू की वैल्यू को जो करोगे वो हो जाएगा प्लस माइनस टू, प्लस माइनस टू हो जाएगा ओके। यहाँ से स्क्वायर रूट वन की हो जाएगी प्लस माइनस टू, तो यहाँ से यू की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये कितना आ जाएगी टू, और यू की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी कितनी माइनस का टू ओके। फिर जब यू स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर मैक्सिमम कितना आ जाएगा फोर, और यू स्क्वायर मिनिमम कितना आ जाएगा फोर ठीक है। यू स्क्वायर मैक्सिमम फोर, यू स्क्वायर मिनिमम फोर ठीक है। तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस लोगे तो यू स्क्वायर मैक्सिमम माइनस यू स्क्वायर मिनिमम तो कितना आ रहा है जीरो, तो आंसर क्या आना चाहिए जीरो। तो हम देख लेते हैं ए और हमने जो कंडीशन क्या रखी थी, ए और बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वन, और वन रखेंगे तो जो जो आंसर आएगा वो जीरो आना चाहिए। तो रखते हैं देखो, तो यहाँ से ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू वन रखा तो ये कितना आ गया जीरो, यानी ये आंसर सही है ठीक है। और दूसरे में देख लो जीरो आएगा ही नहीं, किसी में देख लो इसमें देखो तो वन प्लस वन टू टाइम्स ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये नहीं, तो आंसर ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्विज के साथ ठीक है, आप तैयार रहिए, कल देते हैं क्वेश्चन ठीक है ओके थैंक यू।